मैं हमारे वकील भाई हैं, अधिवक्ता भाई हैं, लास्ट ढाई महीने से लगातार मोवर किए हुए हैं और पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। तहसीलदार SDM महोदय ये रिश्वत लेकर के अभद्र आचरण करते हैं वकीलों के साथ, पब्लिक के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ अभद्रता करते हैं। उसको लेकर गोवर्धन के अधिवक्ता भाइयों ने विगत ढाई महीने से मोवर कर रखा है और 15 दिन से धरना प्रदर्शन पर उसके विरोध में और हमारे अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज हुई है उसके विरोध में और इन सारी चीज़ों के लिए जो कलेक्ट्रेट और महावन और गोवर्धन और सदर तहसील में और कलेक्ट्रेट में जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके विरोध में DM जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि अविलंब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, अधिवक्ता पत्रकार बंधु पब्लिक के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार रखें और जो भ्रष्ट कर्मचारी रामवीर शर्मा और बलबीरवाल रिटायर्ड पेशकार और ये संदीप यादव इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए, अनुशासन कार्रवाई की जाए और इनको तत्काल यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए कल हम लोग गए थे गोवर्धन, सूचना मिली क्या वहाँ के अधिवक्ता काफ़ी समय लंबे समय से हड़ताल पर हैं और वो कर्मिक अनशन पर चल रहे हैं। वही पता चला कि दो अधिवक्ता बीमार हो गए हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। माहौल देखा, माहौल देखने से पता चला कि वहाँ का अधिकारी वर्ग अधिवक्ताओं को सहयोग न करते हुए उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और तानाशाह जैसा व्यवहार उनका हमें मिला। तानाशाही के संबंध में हमने उन्हें काफ़ी लिबरल करने की कोशिश की कि यहाँ सामंजस्य बने, लेकिन उनका इरादा उसे बिगाड़ने का था, बनाने का नहीं था। उन SDM साहब को हमने समझाया बताया लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों का नाश हो शब्द को जब तक बोलेंगे जब तक हम ऐसे ही करेंगे। हमने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचारी आप हैं, तो वो चुप हो गए। हमने कहा जब भ्रष्टाचारियों को नाश कह रहे हैं और आप भ्रष्टाचारी हैं तो बुरा मानो, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो क्यों बुरा मानते हो, तो वो फिर चुप हो गए। इसका मतलब ये साफ है कि वो भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने प्रमाण अपने आप स्वयं दे दिया। हम उनके DM साहब ने आज आपको क्या सुना? DM साहब ने ADM साहब की अध्यक्षता में FNR को इसकी जांच दी है और उन्होंने बताया है कल और परसों में इसका वो निष्पादन करेंगे, हम लोगों को भी बुलाएंगे और गोवर्धन तहसील के जो हमारा अधिवक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं उनको भी बुलवाएंगे और इसकी वो आगे कार्यवाही करेंगे।